तो वहीं ग्वालियर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। ऑटो चालक की हत्या करने वाले दो दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दोस्त ओम प्रकाश उर्फ सचिन को नौकरी से निकलवाने पर हत्या की प्लानिंग की थी। आरोपियों ने ऑटो चालक की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक कल एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। डेड बॉडी लगभग डिकम्पोज्ड स्थिति में थी। उसकी शिनाख्त जो हुई मोंटी सविता के रूप में हुई। मोंटी सविता के बारे में जो जानकारी ली गई तो पता लगा कि ये 27 तारीख को अपने घर से लापता है। 27 और 28 की दरमियानी रात्रि में गायब हो गया था और 28 तारीख को मिसिंग कायम हुई थी। ये जानकारी परिवार ने दी थी। उसमें ये पता लगा था ऑटो चलाता है और इसका ऑटो भी जौरासी घाटी में लावारिस स्थिति में मिला था। ऑटो में कुछ ब्लड के स्टेन्स थे। ब्लड स्टेन्स की जांच हुई तो मानव रक्त के रूप में पता लगा। तो प्रेमा फिशिया लग रहा था कि इसके साथ कोई गंभीर घटना घटित हुई है, लेकिन 28 से लेकर कल तक इसकी डेड बॉडी बरामद नहीं हुई थी। बॉडी की शिनाख्त होने के बाद प्रेमा फिशिया, ये मर्डर का केस था, ब्लाइंड मर्डर केस था, तो ऐसा लगा कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया ले जाके वहाँ पर। तो इस केस को सुलझाने के लिए एडिशनल SP बर्धमान, DSP चढ़ार साहब, थाना प्रभारी गिरोई, उनकी पूरी टीमें कल लगातार इन लोगों ने काम किया। तो लास्ट जो देखा गया था इसको अमन के साथ देखा गया था और इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि दो व्यक्ति जो इस केस में अरेस्ट हुए, एक अमन अरेस्ट हुआ है और दूसरा ओम प्रकाश और सचिन। मोटिव बेसिकली ये है कि ओम प्रकाश और सचिन जो व्यक्ति है ये एक ऑटो चलाता था, ऑटो किराए का था। मृतक ने ऑटो मालिक को ये बताया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये ऑटो लापरवाही से चलाता है, कभी दुर्घटना हो जाएगी तो आप भी फंसेंगे। इसके कारण इसका ऑटो इसके मालिक ने छिना लिया और बेरोजगार हो गया। तो सचिन को ये उससे नफरत थी कि इसने मेरी रोजी रोटी और रोजगार छुड़वा दिया है, ऑटो जमा करा लिया है। तो वो बदला लेने की नीयत से सचिन ने अपने साथी के साथ मिलकर ये योजना बनाई और 27 और 28 तारीख को उन्होंने इंतजार किया। जैसे ही मोंटी अपने ऑटो के साथ लेट नाइट पहुंचा, इन्होंने इसको ओवरपावर किया, ओवरपावर करके स्टैबिंग से चूड़े पहुंचाई और ऑटो के अंदर ही इसकी डेथ हो गई। इसके बाद इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये चिनोर रोड पे गए और चिनोर रोड के जंगल में बॉडी को ठिकाने लगा दिया। बाद में जंगल से होते हुए जौरासी घाटी में ऑटो छोड़ दिया। तो दोनों से पूछताछ हुई है, दोनों ने अपना जो जुर्म है कबूल किया है। तो ब्लाइंड केस वर्कआउट हुआ है, इसमें दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में अरेस्ट हो गई है। बाकी की जो इनकी कड़ियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर रहे हैं।